व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ पेस 2016 गेम इन माय लोयल लैपटॉप जो आई थी 8 जनरेशन और इंटेल G620 बेस्ड एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ पेस 2016 गेम और दिखाऊं कि आप लोगों को मुझे कितने पीस मिलते हैं इन दिस गेम। एंड गाइस, अगर आपको मेरे से सिविल स्पेसिफिकेशन वाला पीस या लैपटॉप है तो आपको कितना पीस मिलेगा इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीस या लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पीस मिल सकता है इन योर स्पेस इन दिस गेम। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहना। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है ग्राफिक्स सेटिंग्स की। कौन से ग्राफिक्स सेटिंग्स पे मैं इस गेम को चला रहा हूँ, तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है 1280x720 है और पिक्चर क्वालिटी को मैंने लो रखा है। तो सिंपली 720x720 लो सेटिंग्स में मैं इस गेम को टेस्ट करूँगा और दिखाऊँ कि आप लोगों को मुझे कितना पैसा मिलता है इन दिस गेम। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पर। अभी जो मुझे FPS देखने के लिए मिला है सॉलिड 60 का FPS मुझे गेम पर देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी इधर उधर FPS पे नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो 60 का FPS। बेसिकली ये 2016 का गेम है तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज है। और ऑब्वियसली पेस फीफा ये सब जो सीरीज़ होते हैं उनका जो गेम होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छी तरीके से उनको मतलब ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो उसके हिसाब से FPS देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। कोई भी मतलब FPS ड्रॉप वगैरह उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस गेम को 60 FPS के साथ लो एंड PC में खेल सकते हो। आपको कोई दिक्कत देखने के लिए गाइस नहीं मिलेगा। लिटरली आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस गेम को अपने स्पेसिफिकेशन पर खेल सकते हो। अगर बात किया जाए इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, तो एक्चुअली ये जो गेम है बेसिकली आप लोग बोल सकते हो, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि 2016 का गेम है तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी तेज है। और ऑब्वियसली पेस फीफा इन सब का गेम का जो ऑप्टिमाइज होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन तो काफ़ी गुड ऑप्टिमाइजेशन है, आप काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हो गेम को। एंड गाइस अगर आपका मेरे से सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पीस मिल सकते हैं इनर स्पेक्स इन दिस गेम। एंड गाइस अगर आपके पास इंटेल HD ग्राफिक्स है इवन विद 4GB रैम है तो भी आप लोग आपके स्पेसिफिकेशन पे इस गेम को काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। बट मैं ऑब्वियसली 8GB रैम सजेस्ट करता हूँ, बट इसमें जो है आप लोग 4GB रैम भी है तो भी आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इस गेम को आपके स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो क्योंकि गेम काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है। तो लिटरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग खेलना चाहते हो इंटेल HD ग्राफिक्स 4GB रैम में तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हो गेम। गेम की बात किया जाए तो ऑब्वियसली एक फुटबॉल गेम है बस। नॉर्मली आपको बताए प्रो एवोल्यूशन सॉकर इसका फुल फॉर्म है पेस का। तो ये नॉर्मली फुटबॉल गेम है और लिटरली काफ़ी लोग पसंद करते हैं फुटबॉल गेम खेलना। तो आप लोग मतलब अगर आपके पास लो एंड PC है एंड आप काफ़ी अच्छी FPS के साथ अच्छी खासी अच्छा खासा जो ग्राफिक आप लोग देखते हो ग्राफिक भी अच्छे खासा है, अच्छा खासा खासा ग्राफिक के साथ और 60 काफ़ी मतलब बढ़िया FPS के साथ एक फुटबॉल गेम खेलना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो गेम को एंड काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, खेल के भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो लिटरली आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। गेम का साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ऑलमोस्ट 15GB to 20GB में ये गेम मिल जाएगा, आप लोग खेल सकते हो अच्छी तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा लिटरली। ऑल्सो गाइस दिस गेम इज प्लेबल ऑन इंटेल G620। अगर आपके पास इंटेल G620 है तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस गेम के स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो इंटेल G620 के साथ। इवन इंटेल HD है तो भी आप लोग खेल सकते हो अच्छी तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत गाइस देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड वीडियो को मैं गाइस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलता है सब निकली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।